वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? ब्लड सप्लाई ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स। यानी कि अपन ने आज से पहले की जो क्लासेस थी उनके अंदर अपन कहाँ तक पढ़ लिया था? जो अपने सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स में जो ब्लड सप्लाई है वहां तक अपन ने पढ़ लिया था। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या है? ब्लड सप्लाई ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो है उनको ब्लड सप्लाई कौन करता है। नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार अपना जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अपन एक बार समराइज कर लेते हैं। इसमें अपन ने देखा था जो अपने टीथ है उनके फंक्शन क्या है, देन आफ्टर अपनी सेलेवरी ग्लैंड्स क्या हैं और कितनी होती हैं। तो सबसे पहले क्या थी अपनी सेलेवरी ग्लैंड्स? पैरोटिड ग्लैंड थी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड थी और सब लिंगुअल ग्लैंड थी। ये अपनी क्या थी? तीन ग्लैंड थी। फंक्शन की अगर अपन बात करें तो जो अपने जो फंक्शन है किसके? टिथ के। वो क्या है? जो अपने डाइजेशन की जो मैकेनिकल प्रोसेस है वो किसके द्वारा कंप्लीट होती है? अपनी टीथ के द्वारा कंप्लीट होती है। ये क्या है अपने फंक्शन ऑफ द टीथ? द इंसिजर एंड कैनाइन टीथ आर कटिंग टीथ। ये क्या है? कटिंग टीथ होते हैं एंड आर यूज फॉर बाइटिंग ऑफ पीसीज ऑफ फूड। और क्या करते हैं? जो अपने जो फूड है, जो फूड कंटेंट अपन ने ईट किया है उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बाइट कर देते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं, यानी कि उसको कट करते हैं। वेयर एज द प्री मोलर एंड मोलर टीथ विद ब्रॉड फ्लैट सरफेस आर यूज फॉर ब्रीडिंग और च्यूइंग फूड। और जो इनके मोलर एंड प्री मोलर की जो सरफेस होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं? जो अपना फूड है उसको चबाने में हेल्प करते हैं। देन आप आती है ब्लड सप्लाई। आर्टरी ब्लड सप्लाई जो है वो कौन करेगा टिथ को? जो अपनी मैक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है, जो अपनी मैक्सिलरी आर्टरी है उसकी जो ब्रांचेज हैं वो क्या करेंगी? अपनी जो टिथ है उनको आर्टरी ब्लड सप्लाई करेंगी। वीनस जेनेस की अगर अपन बात करें तो जो अपनी एंट्री जुगलार वेन की जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी? वहां से ब्लड को रिसीव करेंगी। नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई का मीन्स क्या है? इनको नर्व सेंसेशन कहाँ से प्रोवाइड होता है? द नर्व सप्लाई ऑफ टू द अपर टिथ इज बाई ब्रांचेज ऑफ मैक्सिलरी नर्व। जो अपर टिथ है, जो ऊपर के टिथ है उनको कौन करता है? मैक्सिलरी नर्व जो है वो क्या करती है? नर्व सप्लाई करती है। एंड टू द लोअर टिथ बाई ब्रांचेज ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। और जो अपने लोअर टिथ है उनको कौन करता है? ब्रांचेज ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। जो अपने मैंडिबुलर नर्व की जो ब्रांचेज है वो क्या करेंगी? लोअर जो अपना टिथ जो है उनको क्या करेंगी? ब्लड सप्लाई करेंगी। दीज आर बोथ ब्रांचेज ऑफ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ये सारी के सारी क्या है? जो अपनी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है उनकी क्या है? ब्रांचेज होती हैं। तो जो नर्व सप्लाई होती है उसमें जो अपर टिथ है उनको कौन करता है? मैक्सिलरी नर्व करती है। और जो अपने लोअर टिथ है उनको कौन करता है? मैंडिबुलर नर्व करती हैं। और ये जो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर नर्व जो हैं ये दोनों के दोनों किसकी ब्रांचेज हैं? अपनी जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है उसकी क्या है? ब्रांचेज होती हैं। देन आफ्टर अपने आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या हैं? जो अपनी एलिमेंट जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है? दो भागों में। फर्स्ट क्या है? आपका एलिमेंट्री ट्रैक है। देन आफ्टर क्या है? असेसरी ऑर्गन है। तो जो अपने सेलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या है? असेसरी ऑर्गन में क्या है? इंक्लूड होती हैं। सेलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं? सिक्रेशन ऑफ द सेलाइवा। जो अपना सेलाइवा जो है उसको क्या करती हैं? सिक्रेशन करती हैं। तो सेलाइवरी ग्लैंड्स को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? सेलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो तीन पेयर पाए जाते, तीन भागों में, और वो भी तीन पेयर पाए जाते हैं। यानी कि तीन होती है सेलाइवरी ग्लैंड्स और वो क्या होती है? पेयर के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले क्या है आपकी? पैरोटिड ग्लैंड है। देन आफ्टर क्या है आपकी? सबमेंडिबुलर ग्लैंड है। और
सबलिंगुअल ग्लैंड है। ये क्या है, तीन आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और ये सारी की सारी क्या है, पैर के अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें पैरोटिड ग्लैंड की, तो पैरोटिड ग्लैंड कहां पे पाई जाती है, दीज आर सिचुएटेड ऑन द वन वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस, यानी कि क्या है, अपने जो फेस उसके दोनों साइड के अंदर क्या है, ये एक एक पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है। ईच ग्लैंड ओपन इन टू माउथ एट द लेवल ऑफ सेकेंड अपर मोलर टूथ, यानी कि जो अपने सेकेंड अपर मोलर टूथ जो है वहां पे क्या है, जो अपने पैरोटिड डक्ट जो है वो क्या है, ओपन होती है। देन आफ्टर अपनी आती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड कौन कहाँ क्या होती है, दीज लाइज ऑन द ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ जा, यानी कि जो आपकी सबमैंडिबुलर ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, अंडर द एंगल ऑफ द जा, और दो अपने दोनों साइड के जो जा है उनका जो एंगल है उनके नीचे क्या है, दोनों के दोनों प्रेजेंट होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड की अगर अपन बात करें तो जो अपनी म्यूकस, दीज ग्लैंड लाइज अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन की जो फ्लोर है और माउथ की जो फ्लोर है वहां पे क्या है, ये प्रेजेंट होती है। ओपन इन टू फ्रंट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और जो अपना सबमैंडिबुलर ग्लैंड है उसके क्या है, फ्रंट में ये ओपन होती है। ये अपने तीन ग्लैंड हैं, ये डक्ट जो हैं, ये डक्ट दिखाई गई हैं। फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड हो गई, दीज आर सिचुएटेड ऑन वन ईच साइड ऑफ द फेस, अपने फेस के प्रत्येक साइड में क्या प्रेजेंट होती है। ईच ग्लैंड हैज पैरोटिड ओपनिंग, पैरोटिड डक्ट ओपनिंग इनटू द माउथ एट द लेवल ऑफ सेकेंड अपर मोलर टूथ, यानी क्या है, प्रत्येक ग्लैंड की जो पैरोटिड डक्ट है वो ओपन होती है कहाँ पे, अपने माउथ के अंदर कौन से लेवल पे, सेकंड अपर मोलर लेवल जो है टूथ का। वहां पे क्या है, ये ओपन होती है। देन आफ्टर अपनी है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर में क्या है, दीज लाइज ऑन वन ईच साइड ऑफ द फेस अंडर द एंगल ऑफ द जॉ, ये कहां पे प्रेजेंट होती है, अंडर द एंगल ऑफ जा, ठीक है, अपने फेस के प्रत्येक साइड के अंदर जो अपना एंगल जो है जा का, वहां पे उसके नीचे क्या है, ये प्रेजेंट होती है। द टू सबमैंडिबुलर डक्ट ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी कहां पे ओपन होती है, फ्लोर ऑफ द माउथ पे क्या है, ये ओपन होती है। ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेन्यूलम ऑफ द टंग, जो अपने टंग में जो फ्रेन्यूलम जो है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन की जो कवरिंग है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम बोलते हैं, वहां पे क्या है, ये ओपन होती है। देन आफ्टर अपनी सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है, दीज ग्लैंड लाइज अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ इन फ्रंट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, यानी कि जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है उसके फ्रंट के अंदर क्या है, ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो अपनी मेम्ब्रेन जो है कौन सी, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, वहां पे क्या है, ये प्रेजेंट रहती है। दे हैव न्यूमेरियस स्मॉल डक्ट, इसके अंदर क्या है, छोटी छोटी बहुत सारे डक्ट प्रेजेंट होती हैं, और वो कहाँ पे ओपन होती हैं, फ्लोर ऑफ द माउथ, जो अपना माउथ का जो फ्लोर है वहां पे क्या है, ये ओपन होती है। देन आफ्टर अपने आती है स्ट्रक्चर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो द ग्लैंड्स आर ऑल सराउंडेड बाय ए फाइबस कैप्सूल, फाइबस कैप्सूल से क्या है, प्रेजेंट होता है। दे कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लोबल्स मेड अप द स्मॉल एक्नी लाइन विद द सेक्रेटरी सेल्स, ये क्या है, न्यूमेरियस नंबर ऑफ लोबल्स से क्या है, मिलके बनी होती हैं, और वो किससे बनती है, स्मॉल एक्नी से, और उन पे लाइनिंग किसकी होती है, सेक्रेटरी सेल्स की क्या है, लाइनिंग होती है। द सिक्रेशन आर प्रोवाइड इनटू डक्ट विच जॉइन अप द फॉर्म द लार्जर डक्ट लीडिंग इनटू द माउथ,
सिक्रेशन कहाँ से होगा, जो अपनी ये जो डक्ट है उनसे क्या है सिक्रेशन होता है, ठीक है। और वो कहाँ पे ओपन होती है, माउथ के अंदर क्या अपने ओपन होती है। देन आफ्टर अपने आती है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में अगर अपन बात करें आर्टेरियल सप्लाई, तो आर्टेरियल सप्लाई कौन करता है, इज द वेरियस ब्रांचेस फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, यानी कि जो अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो क्या करती है, अपनी सैलिवरी ग्लैंड्स को ब्लड सप्लाई करती है। जो अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है उसकी जो ब्रांचेज है उसका जो सब डिविजन है वो क्या करेगा, अपनी जो सैलिवरी ग्लैंड्स है उनको आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करेगा। देन आफ्टर आता है अपना वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज कहाँ पे होता है, इनका इंटरनल जुगलार वेन जो है वहां पे क्या है इनका वीनस ड्रेनेज होता है। तो आर्टेरियल सप्लाई कौन करता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है उसकी जो ब्रांचेज हैं वो क्या करती हैं, सैलाइवरी ग्लैंड्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। और वीनस ड्रेनेज कौन करता है, जो अपना एक्सटर्नल जुगलार वेन जो है वो क्या करता है, वीनस रिटर्न करता है, यानी कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड कराता है इनको, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी क्या है प्रोवाइड कराती है या उसकी ब्रांचेज कराती है। और इनसे वापस रिटर्न में ब्लड कौन रिसीव करता है, एक्सटर्नल जुगलार वेन जो है वो क्या करती है, इनसे रिटर्न में ब्लड रिसीव करती है। देन आफ्टर क्या आती है, नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई किस टाइप से होती है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम से क्या है इनकी नर्व सप्लाई होती है। द ग्लैंड्स आर सप्लाइड बाई पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपेथेटिक नर्व फाइबर्स, यानी कि जो सिंपेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक है दोनों नर्व फाइबर्स जो है वो क्या करते हैं, इनको नर्व सप्लाई करते हैं, जिसको अपन कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम बोलते हैं या नर्व फाइबर्स बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन की। तो जब पैरासिम्पेथेटिक टाइप से क्या है, अगर सप्लाई हो रही है, नर्व सप्लाई हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इंक्रीज सिक्रेशन, यानी कि अपने जो ग्लैंड्स है वो क्या करेंगी, सिक्रेशन को बढ़ा देंगे। और सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर क्या है, अपने को सलाइवा की जरूरत रहेगी। तो सलाइवा की जरूरत रहेगी तो उस टाइम पे क्या है, जो अपनी पैरासिम्पेथेटिक जो नर्व है, जो पैरासिम्पेथेटिक टाइप की जो नर्व है वो क्या होगी, स्टिमुलेट होगी। और स्टिमुलेट होते ही क्या होगा, वो इस ग्लैंड के पास मैसेज करेगी कि आपको सिक्रेशन करना है, तो ये ग्लैंड क्या करेगी, वहां पे सिक्रेशन करेगी। देन आफ्टर अपन बात करते हैं सिंपेथेटिक की। सिंपेथेटिक में क्या होगा, अगर अपने पास सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा या अपने को नीड नहीं है सिक्रेशन की, उस टाइम पे क्या होगा, सिंपेथेटिक स्टिमुलेशन क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, और वहां पे क्या है, सलाइवा का जो है सिक्रेशन वो डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या है, अपनी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस चीज की जरूरत होती है उसी टाइम पे क्या है, वही नर्व क्या है, स्टिमुलेट हो जाती है। देन आफ्टर जिस चीज की वहां पे जरूरत नहीं होती तो वहां पे क्या है, उस सिक्रेशन को स्टॉप करने के लिए जो दूसरे अपना स्टिमुलेशन है सिंपेथेटिक टाइप का वो क्या है, वहां पे स्टिमुलेट हो जाता है और क्या करेगा, वो उसको स्टॉप कर देगा या उसको कम कर देगा।
देन आफ्टर आती है अपनी कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, यानी कि सलाइवा बनता किन किन चीजों से है। सलाइव इज द कंबाइंड सिक्रेशन फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनसे क्या है सिक्रेशन होता है, उससे क्या है कंबाइंड सिक्रेशन ऑफ, यानी कि उनका जो सलाइवा इज ए कंबाइंड सिक्रेशन फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, यानी कि जो म्यूकस सिक्रेट करने वाले जो ग्लैंड हैं और जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उन दोनों से क्या है सलाइवा का सिक्रेशन होता है। लाइनिंग ऑफ द ओरल कैविटी, जो कहाँ पे है ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, अबाउट 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस पर डे, यानी कि अपनी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करती हैं अप्रोक्सीमेट 1.5 लीटर सलाइवा पर डे प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि 1.5 लीटर सलाइवा का पर डे प्रोडक्शन होता है कहाँ पे अपनी ओरल कैविटी के अंदर अपने माउथ के अंदर। और कौन करता है, जो अपने सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं वो क्या है सिक्रेट करती हैं। बनता किन किन चीजों से है, इट कंसिस्ट ऑफ कौन कौन सी चीजों से बनता है, वाटर, मिनरल साल्ट, एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है वो प्रेजेंट रहता है, म्यूकस जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड सिक्रेट करती हैं, लाइजोम, इम्यूनोग्लोबिन्स, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ये सारे के सारे क्या हैं प्रेजेंट होते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा की अगर अपन बात करते हैं तो सलाइवा कहाँ से बन कौन सिक्रेट करता है, सलाइवा को सिक्रेट करने के लिए सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और अपनी जो स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं वो क्या है अपनी जो माउथ है वहाँ पे क्या है प्रेजेंट होती हैं, या अपनी जो ओरल कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और वो क्या करती हैं सिक्रेशन करती हैं किसका सलाइवा का। पर डे 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस डेली, यानी कि जो एक हेल्थी एडल्ट है वो क्या करता है 1.5 लीटर जो है सलाइवा का प्रोडक्शन पर डे करता है। सलाइवा बनता किन किन चीज़ों से हैं, तो सलाइवा के कंटेंट कौन से हैं, वाटर है, मिनरल साल्ट है, एंजाइम्स हैं, एंजाइम के अंदर कौन सा है सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है, म्यूकस कौन सिक्रेट करेगा यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है वो क्या करेंगी म्यूकस सिक्रेट करेंगे, लाइसोजाइम इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट रहते हैं और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं, ये सारे के सारे मिला के क्या करते हैं अपना जो सलाइवा है उसकी कंपोजिशन करते हैं। नेक्स्ट अपना है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, तो सिक्रेशन ऑफ सलाइवा जो है वो किस पे किस बेस पे प्रेजेंट रहता है अपना, यानी कि उसको कौन सा बेस ऐसा है जिससे क्या है कि जो अपनी बॉडी के अंदर सिक्रेशन होता है सलाइवा का। तो अपन ने पहले पढ़ा था अभी लास्ट पॉइंट क्या था अपना नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई में क्या होता है अपन बात की थी कि ऑटोनोमिक नर्व स्टिमुलेशन की वजह से क्या है कि यहाँ पे सिक्रेशन होता है। तो पैरासिम्पेथेटिक जो है वो क्या करती हैं जो अपनी वो उसके सिक्रेशन को बढ़ाती हैं और सिंपेथेटिक क्या करती हैं उसके सिक्रेशन को कम करती हैं। पैरासिम्पेथेटिक के अंदर स्टिमुलेशन कैसे बढ़ता है, क्योंकि वहां पे जो अपनी जो सिक्रेटरी सेल्स जो है उनमें क्या है वेजोडाइलेशन हो जाता है। वेजोडाइलेशन का मतलब क्या है फैल जाती हैं वो डक्ट क्या है फैल जाती हैं, फैलने से क्या है कि वहां पे सिक्रेशन ज़्यादा होता है। और जो अपना सिंपेथेटिक है सिंपेथेटिक के अंदर क्या है कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, वह जो कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या है जो डक्ट जो है वो सिकुड़ जाएंगे, सिकुड़ने की वजह से क्या है वहाँ पे
सलाइवा का सिक्रेशन आगे तक नहीं पहुंचेगा। सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इज अंडर ऑटोनॉमिक नर्व कंट्रोल। जो अपना सलाइवा का सिक्रेशन है वो किस पे बेस रहता है? ऑटोनॉमिक नर्व कंट्रोल जो है उस पे क्या है? बेस रहता है। ऑटोनॉमिक नर्व कंट्रोल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? अपनी सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, दो टाइप से क्या है अपने, जो दोनों से कंबाइन जो नेम है वो क्या है अपना, ऑटोनॉमिक नर्व कंट्रोल होता है। देन आफ्टर क्या अपना पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है, पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करेगा, वैजोडाइलेशन करेगा, यानी कि जो अपनी जो डक्ट जो है, कौन सी डक्ट, जो सेक्रेटरी डक्ट जो है उनको क्या करेगा, वैजोडाइलेशन करेगा, यानी कि उनको डायलेट कर देगा, यानी उनको बढ़ा देगा, उनकी साइज को, डायमीटर को बढ़ा देगा, जहां से क्या है वो वाटरी एंड परफ्यूज सिक्रेशन ऑफ वाटरी सलाइवा विद रिलेटिवली लो कंटेंट ऑफ एंजाइम एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी कि उसके वाटरी सलाइवा होता है, ठीक है, जो सलाइवा है वो क्या है, वाटरी होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं, लो कंटेंट ऑफ एंजाइम, एंजाइम के क्या है कम कंटेंट रहते हैं, और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके अंदर क्या है प्रेजेंट होते हैं। तो जो अपना सिक्रेशन ऑफ सलाइवा के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिक्रेशन होता कैसे है, सिक्रेशन कौन सी प्रोसेस से होता है, ऑटोनॉमिक नर्व कंट्रोल से क्या है यहाँ पे सिक्रेशन होता है। और ऑटोनॉमिक किन से मिलके बना है, ऑटोनॉमिक दो चीजों से मिलके बना है, कौन से, पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। पैरासिंपैथेटिक क्या करता है, स्टिमुलेशन स्टिमुलेट करता है, और जो अपना सिक्रेशन है उसको क्या है बढ़ाता है, और सिंपैथेटिक क्या करता है अपने स्टिमुलेशन को डिक्रीज करता है, और जो क्या है जो सिक्रेशन है उसको कम करता है। ये क्या है अपना पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों स्टिमुलेशन होते हैं। पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर क्या होता है, वैजोडाइलेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जो डक्ट जो है वो क्या है वैजोडाइलेट होती है, यानी कि उनके अंदर डायलेशन होता है, यानी कि वो फैलती हैं। जब वो फैलती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, लो कंटेंट ऑफ एंजाइम, यानी कि जो वाटरी सलाइवा होता है, लिक्विड फॉर्म जो होती है सलाइवा की, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है अपना, लो कंटेंट ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम जो है उसकी क्या है कुछ कंटेंट रहेंगे, एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जो अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो क्या है प्रेजेंट रहते हैं। देन आफ्टर अपना आता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है, अपना जो सिक्रेशन है उसको क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है, यानी कि जब अपने को जरूरत थी उससे ज्यादा अगर सिक्रेट हो रहा है तो क्या होगा अपना, पैरासिंपैथेटिक टाइप की जो नर्व है वो स्टिमुलेट होगी और क्या करेगी, वेजो कॉन्ट्रेक्शन करेगी। वेजो कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या है, जो अपनी डक्ट जो है उनको क्या करेगी, वो कॉन्ट्रेक्ट करेगी, उनको उनमें सिकुड़न पैदा होगी, और अगर सिकुड़न पैदा होगी तो क्या होगा, कम मात्रा के अंदर क्या है सलाइवा का सिक्रेशन होगा, एंड रिच ऑर्गेनिक मटेरियल स्पेशली फ्रॉम द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या है, ज्यादा सिक्रेट होंगे, और कहां से होंगे, स्पेशली अपनी जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं वहां से क्या है वो ज्यादा सिक्रेट होंगे। ये अपना होता है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, फंक्शन ऑफ सलाइवा, यानी कि सलाइवा के फंक्शन कौन से हैं। सबसे पहले जो सलाइवा है वो क्या करता है अपना, जो केमिकल डाइजेशन है, ठीक है, किसका, पॉलीसेकेराइड का। जो केमिकल डाइजेशन है उसके अंदर कौन हेल्पफुल होता है अपना,
सलाइवा हेल्पफुल होता है। सलाइवा की हेल्प से क्या है, अपने जो डाइजेशन है वो होता है किसका, पॉलीसेकेराइड का। देन आफ्टर अपना आता है लुब्रिकेशन ऑफ फूड, जो अपना फूड मटेरियल जो है उसको क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है, यानी कि उसको चिकनाहट उसके अंदर प्रोवाइड कराता है। देन आफ्टर क्या है अपना, क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग, यानी कि उसको क्लीन भी करता है और अपने को लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कराता है। देन आफ्टर क्या आता है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, देन आफ्टर क्या है, टेस्ट, यानी कि केमिकल डाइजेशन होता है पॉलीसेकेराइड का, लुब्रिकेशन होता है फूड का, क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग होता है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के अंदर क्या है, लाइजोम, इम्यूनोग्लोबिन्स एंड क्लोटिंग फैक्टर कॉम्बेट इन्वॉल्व माइक्रोब्स, ये क्या है अपनी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होती है। देन आफ्टर क्या है अपना, टेस्ट, यानी कि टेस्ट बर्ड के अंदर भी क्या है, इसकी वजह से क्या है, स्टिमुलेट होते हैं और अपने को टेस्ट का पता लगता है। ये क्या है अपने जो फंक्शन है किसके, सलाइवा के। सबसे पहला क्या है, केमिकल डाइजेशन, यानी कि जब फूड के कंटेंट जो है, ठीक है, सलाइवा कंटेंट द एंजाइम लाइक एमाइलेज टू बिगिन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, रिड्यूसिंग देम टू डिस्कार्ड माल्टोज। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम अमाइलेज दैट बिगिन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ शुगर, यानी कि जो क्या है शुगर के कॉम्प्लेक्स है इनको क्या है, सलाइवा की एंजाइम अमाइलेज की प्रेजेंस के अंदर क्या है, ये ब्रेक डाउन कर देती है। देन रिड्यूसिंग देम टू डिस्कार्डेड माल्टोज, और जो माल्टोज है उसको क्या करती है, डिस्कार्ड कर देती है। ऑप्टिमम पीएच ऑफ जो सलाइवरी अमाइलेज इज 6.8, जो क्या है अपना जो ऑप्टिमम पीएच होता है किसका, सलाइवरी ग्लैंड्स का, वो कितना होता है, 6.8 होता है, जो क्या है स्लाइटली एसिडिक होता है। देन आफ्टर क्या है, सलाइवरी पीएच जो है उसकी रेंज कितनी होती है, 5.8 से लेके 7.4 तक क्या है इसकी रेट होती है, और ये किस पे डिपेंड करती है, इसकी रेट फ्लो पे, यानी कि जो फ्लो है किसका, सलाइवरी का, सिक्रेशन का, उस पे क्या है ये बेस रहती है। अगर अपने जो सलाइवा का जो फ्लो है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा तो जो अपना पीएच है वो क्या है, ज्यादा रहेगा। अगर सलाइवा कम सिक्रेट होगा तो अपना पीएच है वो कम सिक्रेट होगा। देन आफ्टर अपनी आती है ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड, ड्राई फूड एंटरिंग द माउथ इन, यानी कि जो अपने फूड जो कंटेंट है वो क्या है, ड्राई होते हैं और अपनी जो है माउथ के अंदर क्या है, अपन उनको ईट करते हैं, ईट करने के बाद क्या है वो बाइट में हम कन्वर्ट होंगे, यानी कि उनकी मैकेनिकल प्रोसेस होगी, और मैकेनिकल प्रोसेस होने के बाद क्या है उनको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, कौन कराएंगे, अपने जो सलाइवरी ग्लैंड से ये क्या करेंगी, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराएंगी, जिससे क्या है उनमें क्या होगा, बोलस बनाने में वो हेल्पफुल होंगे अपने लिए। क्लिंसिंग एंड ल्यूब्रिकेटिंग क्या है, जो अपना जो माउथ है, सलाइवा क्या करती है, जो अपना माउथ है उसके अंदर जितनी भी जो कंटेंट है उनको क्या है, लिक्विड फॉर्म के साथ साथ सेक्रेशन के साथ साथ उसको क्लीन करने में भी क्या है, हेल्पफुल रहते हैं। जो अपने सॉफ्ट टिश्यू है जो मोस्ट पहले से, उनको क्या करती है वो क्लीन करती है और उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराती है। इट हेल्प टू प्रिवेंट डैमेज टू द म्यूकस मेम्ब्रेन बाय रफ और अब जो फूड स्टफ, यानी क्या करती है, जो अपने म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उनको क्या करती है, प्रिवेंट करती है किससे, जो अपन फूड जो टफ फूड जो अपन ले इनटेक कर लेते हैं उससे क्या है, उनको प्रिवेंट करती है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के अंदर क्या होता है,
लाइजोम, इम्यूनोग्लोबिन एंड क्लोटिंग फैक्टर कॉम्बिट इन्वॉल्विंग माइक्रोब्स, यानी कि ये जो है लाइजोम है, इम्यूनोग्लोबिन है, क्लोटिंग फैक्टर है, ये क्या है, ये अपने नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में आती है। टेस्ट, द टेस्ट बर्ड्स आर स्टिमुलेट ओनली बाय द केमिकल सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। अपने को टेस्ट कैसे पता चलता है, केमिकल सब्सटेंस की प्रेजेंस से क्या अपने को टेस्ट पता चलता है। ड्राई फूड स्टिमुलेट द सेंस ऑफ टेस्ट ओनली आफ्टर थ्रो मिक्सिंग विद सलाइवा। जो अपने ड्राई फ्रूट जो हैं वो क्या करते हैं, सलाइवा में मिक्स होने के बाद ही क्या अपना टेस्ट दे पाते हैं। द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर क्लोजली लिंकेज इन टू द एंजॉयमेंट और अदरवाइज ऑफ फूड। यानी कि जो सेंस ऑफ टेस्ट है और स्मेल है वो क्या है, उसके बिना अपन फूड को इनटेक नहीं कर सकते, अपने को मजा नहीं आएगा उनको इनटेक करने में। थैंक्स टू ऑल। कल का जो अपना टॉपिक है वो क्या रहेगा, फेरिंग्स।